नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। शाम ढलते ही अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यापारी से तमंचे के बल पर सोने व चांदी से भरा थैला लूटा। विरोध करने पर बट मार कर किया घायल सराफा व्यापारी से हुई लूट की इस घटना से पुलिस ने मचा हड़कंप। 600 ग्राम सोना, करीब 7 किलो चांदी लेकर लुटेरे फरार। करीब 34 लाख रुपए का बताया जा रहा सोने के आभूषण। शिकार को कोतवाली प्रभारी बदमाशों पर लगाम कसने में हुई फेल। लूट की घटना को अंजाम देकर अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाश हुए फरार। शिकार को पुलिस मुकदमा दर्ज कर जल्द ही लूट का खुलासा करने का कर रही है दावा। पेशे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अतुल मित्तल। कहाँ के रहने वाले हो? मोहल्ला नौगंज। क्या वारदात हुई आपके साथ? मैं दुकान का थैला लेके आ रहा जी, दुकान से घर को आया हूँ। घर के आगे दो बदमाशों ने मेरे ऊपर कट्टा तान दिया जी, और कट्टा तान के उन्होंने थैला छीनने की कोशिश करी है। मैंने थैला दिया नहीं है जी। उन्होंने फिर गोली चलाने की कोशिश करी है, गोली नहीं चली है मेरे ऊपर जी। कार्टेज उनका वहीं गिर गया है। फिर उन्होंने छीना झपटी करी है, मेरे सिर में जो उनके पास कट्टा वगैरह जो भी कुछ था वो मारी है। उसकी चोट से जब मैं घायल होकर सड़क पर गिर गया हूँ, जब वो मेरे से जो है थैला छीन के ले गए। क्या थैला में क्या था? थैले में चांदी और सोने के जेवरात। जेवरात कुछ कैश भी था उसमें? कैश नहीं था उसमें। लगभग कितने, क्या कीमत रही होगी? कीमत तो कुछ अंदाज अभी लगाया ना है, 600-700 ग्राम के करीब सोना होगा और 7-8 किलो के करीब चांदी। इसी समय जो है 7 बजे के आसपास, 7-7:30 के बीच दुकान बढ़ा कर जाता था। जब आप दरबार पर पहुंचे हो तो वो आपके पीछे थे या वो तभी अचानक आई थी? वो एक पीछे था और एक आगे था, उसने पलट के तुरंत मेरे ऊपर तमंचा तान दिया। कितने लोग थे? ये लोग 3 थे, एक मोटरसाइकिल लेकर गली के दूसरे नुक्कड़ पर खड़ा था और 2 मेरे ऊपर हमला कर रहे थे। एक बाइक पर 3 लोग थे? हाँ, बाइक दूसरे छोर पर थी। आकर पीछा किया है तो उन्होंने मेरे से कहा है गाली दे के कि रुक जा वहीं तो गोली मार देंगे, और मेरे को कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है जो मैं उन पर फेंक के मारता, और वो मोटरसाइकिल पर बैठ के फरार हो गए।